आज हम पार्टी के लिए बनाएंगे मेयो पाव। ये बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे ऐसे ही कुछ खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आज पार्टी के हिसाब से हम मेयो पाव बनाएंगे। क्रिसमस आ रही है तो हम मेयो पाव बना के पार्टी कर सकते हैं, और बच्चे को फेवरेट ऐसा हम बनाएंगे। यम्मी कुक में आपका स्वागत है। मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे मैं पहले मेयोनीज ले लूँगी, तो यहाँ पे 2 कप में मेयोनीज ले लूँगी। इसमें से करीब आप 6 से 7 मेयो पाव बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज ले लिया है। इसके साथ हम लोग सारा वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले कोबिश ले लूँगी। कोबिश को मैंने बारीक चॉपर में कर दिया है। उसके बाद शिमला मिर्ची ले लेंगे 1 कप, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसके साथ 1 कप हम ऑनियन डाल देंगे, तो ये भी मैंने चॉपर में कर दिया है। ये सारी चीज़ के साथ हम मसाला थोड़ा करेंगे, तो यहाँ पे नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। थोड़ा सा काला मरी पाउडर डालेंगे और यहाँ पे चिली फ्लेक्स और ओरिगानो डालेंगे। तो फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया ये पार्टी के लिए आप रेडी कर सकते हो ना, वह ज़्यादा झंझट रहती है और ये फटाक से आप बना सकते हो। और बच्चे को तो बहुत ही फेवरेट है, ऐसे ये आप पार्टी में बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने सारा मिक्स कर दिया है, तो एकदम अच्छे से हमको इसको मिक्स करना है। और हाँ, जब आपको बनाना है तभी ये मसाला आप रेडी करना, ये तुरंत ही बन जाता है, इसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम पाव लेंगे, तो यहाँ पे हम दाबेली का पाव ले लेंगे। ये मार्केट में इजी मिल जाता है। इसको हम बीच में से कटिंग करेंगे, तो बीच में से कटिंग करके हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। तो ग्रीन चटनी की रेसिपी ऑलमोस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हो जाके। इसका बीच में सारे पाव को मैंने कटिंग कर दिया है। अभी इसमें चटनी लगा देंगे, तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया और तीखी अर्ली मैंने चटनी बनाई है। इसके साथ हमने मेयो वाला जो मसाला बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो सारे पाव में ऐसे ही हम रेडी कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर करना। अभी यहाँ पे मैं टोस्टर ले लूँगी, उसके अंदर मैंने घी डाला है। अगर आपको बटर डालना है तो बटर भी डाल सकते हो। इसके साथ मैं ब्रेड जो मेयो वाला है वो रख देंगे हम लोग, लेकिन इसको टोस्टर को हम पूरा बंद नहीं करेंगे। ये पूरा बंद नहीं करना है, ये आपके ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा सा बंद करेंगे हल्का सा। इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, तो ये हमारी एकदम रेडी हो जाएगी। तो मैंने पूरा ढका नहीं है, आप देख सकते हो ये रेडी हो गया है। अभी इसको हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे सर्विंग ट्रे में हम ले लेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से हमारा ये मेयो पाव रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ हम चाट मसाला और वेफर्स डाल देंगे बीच में। तो इसको खोल के हम वेफर्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पे ऑनियन और क्रीम वाली ली है, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। तो सारे में हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, पार्टी के लिए आप रेडी हो जाओ और बच्चे को एकदम खुश कर दो। पार्टी में बनने वाला हमारा मेयो पाव रेडी हो गया है। इसके साथ हम वेफर सर्व करेंगे, तो लुक वाइज यमी टेस्टी ऐसा हमारा मेयो पाव रेडी हो गया है। आप भी फटाक से बना सकते हो, और अगर आपने कटिंग करके दे दिया तो बच्चे भी आसान तरीके से ये बना देते हैं। ना तो इसमें कुकिंग की झंझट है, ना कुछ भी नहीं है, और आप फटाक से ये बनवा सकते हो बच्चे के पास भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।